कुछ कहना चाहोगे भुलभुलैया 2 किस तरह की मूवी आपको लगी? सबसे पहले तो आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड जितनी मैंने अपेक्षा की थी, क्योंकि पार्ट 1 जो क्लास मूवी थी जो प्रियदर्शन ने डायरेक्ट की थी, ये मूवी अनीश बद्दी ने डायरेक्ट किए थे जो एंटरटेनिंग मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक डिसअपॉइंट हो गई। मतलब बहुत ही फोर्स्ड ह्यूमर है, जो कॉमेडी पंचेस है वो इतने अच्छे एक्टर्स है संजय मिश्रा राजपाल यादव, बट पहला हाफ तो बिल्कुल ही स्कैटर्ड है और दूसरा हाफ भी इतना एंटरटेनिंग नहीं लगा। हॉरर है, हॉरर बहुत अच्छे, सिनेमेटोग्राफी वगैरह अच्छी है हॉरर की, बट तब्बू जैसे सीजनड एक्टर्स को वेस्ट किया, बहुत डिसअपॉइंटिंग। किस तरह की एक्टिंग लगी कार्तिक आर्यन? कार्तिक आर्यन देखिए प्यार का पंचनामा में कितने रॉ थे, और फिर सोनू की टीटू की स्वीटी, बट ये मूवी में कहीं ना कहीं वो मुझे थोड़े फेक लगे। ही गोज ओवरबोर्ड यू नो अपने आप को मतलब जैसे प्रूव करने के लिए। तो कियारा आडवाणी जैसी इतनी गॉर्जियस और स्टनिंग एक्ट्रेस को मिसयूज़ किया, वो गुड न्यूज़ में इतने अच्छे उनका रोल था, तो मुझे कहीं ना कहीं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द मूवी। कोई प्लस पॉइंट आपको दिखा नजर? एक कार्तिक आर्यन का सॉन्ग है जिसमें क्लासिकल डांस करते जैसे विद्या बालन ने किया था, तो सिंस आई एम ए क्लासिकल डांसर तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी सिनेमेटोग्राफी जो हॉरर सीन्स है वो अच्छी है, बट तब्बू जैसी सीजनड एक्ट्रेस को वेस्ट किया। कार्तिक आर्यन भी इतने अच्छे एक्टर हैं लेकिन जो कॉमेडी पंचेस है वो इतने उभर के नहीं आए। सिनेमेटोग्राफी इज़ गुड, एडिटिंग भी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया मूवी को, वो भी ठीक है। म्यूज़िक भी जितना एक्सपेक्ट किया था तनिष बागची और प्रीतम का म्यूज़िक है, पर जो डायरेक्शन था प्रियदर्शन का पार्ट 1 में वो क्लास था। अक्षय कुमार और विद्या बालन को हमने इतना मिस किया। पार्ट 2 कहीं ना कहीं यू नो बहुत फोर्स्ड ह्यूमर लगा मुझे, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि बस खत्म हो जाए यू नो। हाउ मेनी स्टार्स वुड यू लाइक टू गिव? वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, 2 स्टार्स। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहोगे? मूवी अच्छी थी, कार्तिक आर्यन ने काफ़ी अच्छा काम किया है, एंड जो अक्षय कुमार सर ने फर्स्ट पार्ट में किया था उसको काफ़ी हद तक रिक्रिएट करने की कोशिश करी है, सो सुपर्ब एक्टिंग। कोई बेस्ट मोमेंट आपको लगा? बेस्ट मोमेंट वॉज वेन कार्तिक आर्यन टर्न इंटू दैट फ्राइटनिंग पार्ट, तो जो एक हॉरर वाला पार्ट जो कार्तिक आर्यन ने किया था दैट वॉज समथिंग डिफरेंट जो वो नॉर्मली नहीं करते उससे। स्टोरी लाइन किस तरह की लगी? स्टोरी लाइन फर्स्ट पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट था, बट इट वाज नाइस। लाइक फर्स्ट पार्ट में इट वाज अ बिट रियलिस्टिक, यहाँ थोड़ा सा वर्चुअल इनपुट डाला गया है मूवी के अंदर। 5 out of 4 थैंक यू। तुम लोग सेलिब्रिटी नहीं है, इंटरव्यू ले रहे हो। मूवी अच्छी, जो बोलते हैं कि अक्षय कुमार को रहना चाहिए था, बट कार्तिक आर्यन ने अच्छा काम किया तो अच्छी मूवी लगी हमें। स्टोरी लाइन अच्छी थी एंड कैरेक्टर ने अच्छी थी उसकी जगह पे। 3 stars। स्टोरी लाइन इज गुड, सस्पेंस इज गुड, म्यूजिक इज ऑल्सो ओके, बट एज कम्पेयर टू फर्स्ट पार्ट इतना कैरी और कॉमेडी किस तरह की लगी? अगर जैसे हॉरर देखोगे आप तो उतना नहीं है, फनी जो कॉमेडी है वो ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल इट इज़ अ नाइस मूवी, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल रेटिंग होगी 3 out of 5। क्या कुछ कहना चाहोगे मूवी के बारे में, किस तरह की मूवी लगी आपको? मूवी पूरी की पूरी मूवी बोरिंग मूवी है, ये कोई खास मूवी नहीं है। फर्स्ट हाफ इन्होंने सही बनाया लेकिन सेकेंड हाफ पूरा का पूरा यार तट्टी बना दिया, रियली बता रहा हूँ, पूरी की पूरी घान कर दिया। कॉमेडी कॉमेडी के नाम पर पब्लिक को चूतिया बनाया, रियली बता रहा हूँ। हॉरर कॉमेडी ना, हॉरर है ना कॉमेडी है, क्या बना रहे हो आप अनीस सर? प्लीज़ भूलभुलैया का ये सिक्वल है, कहने को भूलभुलैया का सिक्वल है, अक्षय कुमार स्टारर, क्या मूवी थी यार। आज भी वो मोबाइल पे देखता हूँ ना, यूट्यूब पे, साला देखने को ही मन करता, पूरी मूवी लगता है कि देख डालूँ, लेकिन ये मूवी ना आपको फर्स्ट हाफ तो ठीक ठाक लगेगी ओके ओके, लेकिन सेकेंड हाफ ना आपको सोना आ जाएगा, रियली बता रहा हूँ। अरे क्या घटिया हॉरर, इसको हॉरर बोलते हैं, इससे अच्छा तो भोजपुरी वाले हॉरर बना लेंगे, रियली बता रहा हूँ। सॉन्ग किस तरह का? अरे सॉन्ग नाम ही मतलब सॉन्ग का है, एक तो जो अच्छे सॉन्ग है वो भी रिमेक है इसमें, टाइटल तेरी आँखें भूल भुलैया वो भी एंड में डाला है। कार्तिक आर्यन का जो एंट्री होगी इतनी घटिया एंट्री, अरे बाप रे बाप, मतलब कि अक्षय कुमार बनने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अच्छा बात क्या होता अनीस सर के लिए कि इसमें कम से कम अक्षय सर की एक कैमियो ले लेते इस मूवी में तो मूवी चल भी जाती और पब्लिक भर भर के आती थिएटर में, रियली बता रहा हूँ। एक बार देख लोगे ना आप, जैसा लगेगा ना यार, मतलब कि मूवी देख के तो आप डरोगे नहीं लेकिन कहानी देख के तो श्योर डर जाओगे, कितनी घटिया कहानी बनाई है। अरे उनका तो चार बोले तो यार उन हॉट और सेक्सी लगती हैं, उनका कोई कमी नहीं है मूवी के अंदर, उन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया। बस एक रूम में पूरी मूवी में वो भूलभुलैया जो घर है उनका, पूरी की पूरी घर में छिपी ही रहती है वो, मतलब यार क्या बना रहे हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री से ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, यही बोलूँगा मैं इस मूवी को 2 स्टार दूंगा। थैंक यू।
आगे क्या कुछ कहना चाहोगे? भूलभुलैया 2 किस तरह की मूवी लगी आपको? सॉरी, देखिए हॉरर कॉमेडी फिल्म है और हमको मालूम है कि भूल भुलैया 1 कैसी थी, तो हम उससे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई आउट ऑफ द लीग कुछ होने वाली है। तो हमको पता था कि एक जो बेस है मंजुलिका के अराउंड वो आने ही वाला है पूरी फिल्म में। तो सेम चीज़ हमने भूल भुलैया 2 में भी देखी है, पर जिस टाइप का एक पूरा सिनेरियो भूल भुलैया 1 में सेटअप हुआ था, जो सपोर्टिंग कास्ट था, जिस टाइप से स्टोरी आगे बढ़ती है और जिस टाइप के सीन्स उस फिल्म में है, इस फिल्म में मुझे लगता है वो काफ़ी चीज़ें मिसिंग है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे लगता है कि ये हम पर थोपा गया है ये सीन, और नहीं भी होता तो इसको किसी और तरीके से दिखा के ये हम तक कम्युनिकेट की जा सकती थी। स्टोरी लाइनअप की बात करूँ, किस तरह की स्टोरी लाइनअप? स्टोरी देखिए जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ ऐसा स्टोरी है जहाँ पे जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो एक हवेली में आएंगे, वहाँ पे कैसे जो काफ़ी सालों से मंजुलिका का किस्सा बंद है वो खुलेगा, और कैसे उनकी ज़िंदगी उससे इफ़ेक्ट होगी और कैसे उस चीज़ से उन्हें छुटकारा मिलेगा। स्टोरी तो देखिए इसमें लीनियर है, हमको सबको पता है कि क्या होने वाला है, उसको कैसे दिखाया गया है वो था भूल भुलैया, जहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीक पड़िएगा। कार्तिक की केमिस्ट्री कैसी लगी? इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत नेचुरली क्यूट कपल लगते हैं, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दोनों बहुत प्यारे लगे। किधर आपने अक्षय कुमार विद्या बालन को मिस किया गया ये मूवी में? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा किया, और मैं जैसा कि मन में सोच भी रहा था कि अगर अक्षय कुमार का 2 मिनट का भी कैमियो रख देते तो हमको बहुत अच्छा लगता। हालांकि ये स्टोरी ऐसी है जहाँ पे जो कैरेक्टर्स थे कार्तिक आर्यन जी का जो कैरेक्टर था उसमें अक्षय कुमार का फिट होना ऑलमोस्ट लगभग नामुमकिन था, पर ऐसा है कि अगर एक छोटा सा 2 मिनट का कैमियो हो जाता तो शायद से अच्छा भी लगता एज एन ऑडियंस, बिकॉज पहला जो भूल भुलैया थी पहली फिल्म उसमें अक्षय कुमार जी को देख के हमें बहुत अच्छा लगा था, और जैसे हमने राजपाल यादव जी को भी देखा इसमें, तो उनकी एंट्री पर ही इतना मज़ा आ गया दर्शकों को कि लगा कि भाई इतने सालों बाद भी इस आदमी, इस एक्टर ने, इस कैरेक्टर ने अपनी छाप छोड़ के रखी हुई है। तो ऐसे ही अगर अक्षय कुमार भी भले ही 2 मिनट के लिए आ जाते, या तो इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि अगर जो एंड में इसका जो एक प्रमोशनल सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग जो है, अगर उसमें भी अगर दिख जाते तो भी हमें बहुत अच्छा लगता, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखे हैं तो थोड़ा मिस किया। भूल भुलैया 1 और 2 में एक व्यक्ति है जो दोनों में पार्ट में था, वो राजपाल यादव, उनका किरदार किस तरह का लगा? राजपाल यादव जी ने अपना काम बहुत अच्छा किया। देखिए पहले पार्ट में भी उनका जो रोल था वो उसने हमको बहुत हंसाया है, और सेकंड में भी उन्होंने काफ़ी हंसाया है हमको, तो उनका काम बहुत अच्छा था। पर यह है कि स्टोरी ही थोड़ी सी वीक थी, तो उनके लिए ना बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचता है कि इस फिल्म में कुछ करने के लिए। उनको वो गिने चुने 2-3 डायलॉग मार के उछल कूद करके डरना है, वही उनका रोल है, वो इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। हालांकि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ यहाँ पे संजय मिश्रा जी से, उनको अब थोड़ा सा अपनी ये जो टिपिकल जो उनकी एक लीक की कॉमेडी थी इससे थोड़ा बाहर निकल के कुछ करना चाहिए। संजय मिश्रा जी और अश्विनी कलसेकर जो उनकी वाइफ बनी है इस फिल्म में, थोड़ा सा वीक कैरेक्टर है, और ये जो कॉमेडी है अब मुझे लगता है इस टाइप की कॉमेडी से थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए किसी भी फिल्म में। 5 आउट ऑफ कितने स्टार? 2 स्टार दूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत